हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट के बारे में, और रिस्क असेसमेंट ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में एक ओवरव्यू देने की कोशिश की गई। वैसे तो रिस्क असेसमेंट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम जो रिस्क असेसमेंट के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे रिस्क असेसमेंट का। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करना है तो वहाँ पर प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग करते समय एक रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, क्यों रिस्क असेसमेंट के अनुसार कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। रिस्क असेसमेंट के अनुसार अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो डेप्थ ऑफ ऑडिटिंग, इन डेप्थ ऑडिटिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा ऑडिटिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ जाएगी। तो रिस्क असेसमेंट से हम ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क प्रोफाइल का पता लगाते हैं, और फिर उसके बाद उसे उस पर रिलेटेड कंट्रोल्स लगाते हैं। तो डिग्री ऑफ रिस्क, बेसिकली कितना रिस्क है, ये डिटरमाइन करेगा कितना ऑडिट एफर्ट होना चाहिए। तो रिस्क असेसमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिस्क असेसमेंट का जो काम है वो मैनेजमेंट का काम है, मतलब ये ऑनगोइंग इन नेचर है। और बेसिकली क्योंकि ऐसा है कि 5 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है, एक कंप्यूटर की जनरेशन चेंज हो जाती है, आपके आईटी सिस्टम्स की जनरेशन चेंज हो जाती है, हार्डवेयर की जनरेशन चेंज हो जाती है, सॉफ्टवेयर की जनरेशन चेंज हो जाती है, नई टाइप के वायरसेस आ जाते हैं, नई टाइप की टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उसमें सिक्योरिटी जो है, जो नई टाइप की सिक्योरिटी आपको लगानी पड़ेगी, सिक्योरिटी का प्रस्पेक्टिव चेंज हो जाता है। तो क्या है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और नॉर्मली भी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है क्योंकि बिजनेस वगैरह चेंज हो रहा है। ट्रेडिशनल अगर आपके अकाउंटिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, मैनुअल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आईटी में तो ये और ज़्यादा है, आईटी में तो मैसिव चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क चेंज हो रहा है। हर 6 महीने में रिस्क लेवल ऑफ रिस्क काफ़ी चेंज हो जाता है, प्रोफाइल ऑफ रिस्क काफ़ी चेंज हो जाता है। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट करेगा, और ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर उस रिस्क असेसमेंट को लेगा और उसका रोल क्या होगा, उसको इवेल्युएट करना, रिस्क प्रोफाइल को इवेल्युएट करना, और ये देखना कि रिस्क असेसमेंट सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत से केसेस में क्या होगा, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहाँ पर रिस्क असेसमेंट ही नहीं हुआ होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही नहीं होगी, रिस्क असेसमेंट के बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा। रिस्क होता है, पता होगा कि आईटी में रिस्क है, लेकिन उसका कभी असेसमेंट ही नहीं हुआ होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑडिटर को सिग्निफिकेंट केयर लेनी पड़ती है, वहाँ पर काफ़ी इनडेप्थ चेकिंग करनी पड़ेगी, वहाँ रिस्क प्रोफाइल समझना पड़ेगा, वहाँ पर मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैनेजमेंट को पता नहीं होता है रिस्क के बारे में, मैनेजमेंट तक को नहीं होता है, तो वहाँ पर उन्हें आपको बताना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेशंस कीजिए, और पहले तो उन्हें अवेयर कराना पड़ेगा रिस्क के प्रस्पेक्टिव के बारे में, और फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क किस तरह से बना सकते हैं, और उसके बाद कंट्रोल्स, आपको कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर आप कंट्रोल्स लगाएंगे। तो जहाँ पर कोई रिस्क असेसमेंट नहीं है, वहाँ पर जो मैनेजमेंट, अगर कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स नहीं है मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर रहा है, रिस्क असेसमेंट नहीं कर रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको इनडेप्थ चेकिंग करनी पड़ेगी। कुछ गाइडलाइंस हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में, कुछ मेथडोलॉजी हैं, रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजी हैं, और लेकिन क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क अलग चेंज हो जाता है, और टाइम के अनुसार रिस्क अलग रिस्क चेंज हो रहा है, क्योंकि आईटी के पर्टिकुलर फील्ड में जैसे मैंने कहा 5 साल में पूरी एक जनरेशन चेंज हो जाती है, तो ऑडिटर को एक सूटेबल स्ट्रेटेजी इवॉल्व करनी पड़ेगी रिस्क असेसमेंट के लिए। तो जैसे पहले मैंने बोला कि रिस्क असेसमेंट जब आप करोगे तो कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है उसके लिए, प्रिसाइज मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, 2 प्रोबेबिलिटी थ्योरीज हैं, प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिकल मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, लेकिन वो मैथमेटिकल मॉडल्स प्रिसाइज नहीं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, और उन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो जाती है,
क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स प्रिसाइज साइंस है, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी क्योस मैथमेटिक्स करके चीज़ें हैं, तो उसमें क्या है कि कोई भी चीज़ होती है तो हम जैसे प्रोबेबिलिटी क्या करती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने पासा फेंका, तो वो ये डिटरमाइन करेगी दो पासे फेंके तो कितना चांस है कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट आने का कितना चांसेस है, पासा फेंका चार आने के कितने चांसेस, छः आने के कितने चांसेस, 12 आने के कितने चांसेस। वो एक प्रोबेबिलिटी मॉडल बन सकता है। प्रोबेबिलिटी का मॉडल का मतलब ये है कि अगर 50,000 बार आपने पासा फेंका तो उस प्रोबेबिलिटी मॉडल के पास आप पहुँचेंगे। यानी कि अगर आप एवरेज में देखेंगे, अगर एवरेज करेंगे पूरे उसका, अगर मान लिया सपोज एवरेज करेंगे, तब कहीं जाकर आप उसके पास पहुंचेंगे। लेकिन इंडिविजुअल चीज़ों को देखेंगे तब आप आपका आंसर राइट नहीं होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर अनसर्टेनिटी होगी। और वही अनसर्टेनिटी जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न के रूप में इमर्ज करेगी जब आप कई बार उसको उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो बेसिकली स्टेटिस्टिकल मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, लेकिन प्रिसाइज मॉडल्स नहीं है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, क्योंकि उसमें क्या है बैंड ऑफ आंसर बहुत ज़्यादा है, मतलब एक आंसर नहीं है, मल्टीपल आंसर्स हैं, मल्टीपल आंसर्स में सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। दो, वो हमें नैरो डाउन करने में हेल्प करते हैं, मतलब ऐसा है कि आपके आपके जो अगर डिसीजंस को रिस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करते हैं, आपको डिसीजन लेने में बेटर हेल्प करते हैं। उसमें प्रोबेबिलिटी बताती है ये पर्टिकुलर चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, तो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि आपको एक्सपीरियंस के अनुसार जैसे जैसे ऑडिट करेंगे, एक्सपीरियंस के अनुसार पता चलेगा कि आप रिस्क असेसमेंट सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तभी पता चलेगा कहाँ गलतियाँ होती हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम होती है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसे आप अपनी मॉडलिंग में नहीं डाल सकते हैं, जैसे नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय क्या है, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय क्या है। अगर मान लिया एनवायरनमेंट में लोग ऑनेस्ट लोग हैं तो वहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं, ऑनेस्ट लोग नहीं हैं तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रॉड होने के। लेकिन आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, अपने मॉडल में कैसे डालेंगे कि लोग ऑनेस्ट हैं नहीं हैं। तो जो रिस्क असेसमेंट है उसमें आपको रिस्क को एसेस करना, प्रिसाइज रिस्क को एसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कंट्रोल्स लगाता है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, लेकिन ऑडिटर को इवैल्यूएट करने पड़ते हैं ऐसे कंट्रोल्स को और आइडेंटिफाई करना पड़ता है रिस्क को, और कुछ रिस्क छोड़ देना पड़ता है। रेजिडुअल रिस्क होता है, रेजिडुअल रिस्क जो होता है वो होगा ही होगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, रेजिडुअल रिस्क होगा ही होगा। तो आपको दो चीज़ें देखनी होंगी जब ऑडिट कर रहे हो, रेजिडुअल रिस्क कितना है, उस रिस्क को सोचते हुए ऑडिट करना पड़ेगा। और दूसरा बात, कुछ रिस्क हैं मैनेजमेंट के अटेंशन से निकल जाते हैं, मैनेजमेंट उतना वो मैनेजमेंट के पास कई बार उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, नॉलेज नहीं होती। अगर एक्सपर्टीज़ और नॉलेज नहीं है, है भी तो कई एरियाज़ में वो उतना रिस्क एवेल्यूएशन नहीं कर पाते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एक ऑडिटर कर रहा है तो उसे ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको वो अप्रिशिएट कर सके इन सब चीज़ों को कि इनहेरेंट रिस्क का क्या इम्पैक्ट होगा, बाकी रिस्क का क्या इम्पैक्ट होगा, कंट्रोल्स में क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह के कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे किस टाइप के आपके कंट्रोल्स लगाए जाएंगे, क्योंकि प्रिसाइज मेथड्स तो है नहीं। आप रिस्क एनालिसिस कर रहे हो तो इवन सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर ड्रिवन मॉडल्स हैं वो, उसमें भी आप जो रिजल्ट आएगा वो सब्जेक्टिव जजमेंट होगा। हाँ, ये है कि आपको एक आपको जजमेंट लेने में आसानी हो जाएगी अगर आप स्पेसिफिक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हो। हाई डेटा ड्रिवन मॉडल्स होते हैं, हाई डेटा ड्रिवन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेथड्स होती हैं, तो वो कंट्रोल गैप्स बताने में आपकी हेल्प करते हैं और हाई रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारी स्टडी ये बोलती है कि रिस्क एनालिसिस मॉडल जो है वो क्या है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होते हैं, और ऐसे मॉडल में न्यूमेरिक्स कोड्स होते हैं, हर चीज़ के न्यूमेरिक्स कोड्स होंगे, न्यूमेरिक रेटिंग होंगी। आप एसेट आइडेंटिफाई करोगे तो उसमें थ्रेट की आप न्यूमेरिक रेटिंग करेंगे, क्रिटिकलिटी ऑफ एसेट के अनुसार करेंगे कि जो क्रिटिकल है वो पहला हो जाएगा, जो लेस क्रिटिकल है वो दूसरा हो जाएगा। सीवियरिटी ऑफ थ्रेट को रैंक करेंगे, वनरेबिलिटीज़ को फैक्टर इन करेंगे। लेकिन
आप मैथमेटिकल मॉडल बना रहे हैं लेकिन मैथमेटिकल मॉडल प्रिसाइज नहीं है, वो एक आपको आइडिया दे रहे हैं, तो आप मैथमेटिकल मॉडल को पकड़ कर आपको बैठना नहीं है। एंड बेसिकली आपको वो मॉडल्स देखने, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं और एक तरफ ग्राफ्स वगैरह होते हैं जो आपको आइडिया दे रहे होते हैं, जो प्रिसाइजली चीज़ें कन्वे नहीं कर रहे होते हैं लेकिन आपको एक आइडिया दे रहे होते हैं। तो सिंपल और वर्केबल मॉडल्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं इन केसेस में, क्योंकि प्रिसाइज तो एस्टिमेशन हो नहीं रहा है, तो सिंपल और वर्केबल मॉडल समझने में इजी होते हैं और एक रीजनेबल लेवल तक आपको सेंसिटिवटाइज कर जाते हैं कि भाई ये रिस्क प्रोफाइल, एक प्रूडेंट रिस्क प्रोफाइल आप बना सकते हैं, और फिर जैसे जैसे ऑडिट करते हो वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस के अनुसार आपको पता चल जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा कि आपके सब कुछ किसी कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसको साफ सामने दिखाई देगा कि रिस्क किस किस चीज़ों का रिस्क है और क्या क्या चीज़ों का रिस्क है। कोई स्टैंडर्ड मेथड मॉडल मेथडोलॉजी नहीं है, हमारी स्टडी ये बोलती है कि कोई स्टैंडर्ड मॉडल और मेथडोलॉजी नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रिस्क एनालिसिस मेथडोलॉजी है और मॉडल है। और एक अच्छा रिस्क मॉडल जो है वो सारे फैक्टर्स को देखेगा, उसमें सारे टाइप के कंट्रोल्स होंगे, जैसे एंटिटी लेवल कंट्रोल, जनरल मैनेजमेंट कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, लेकिन सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्यूचर अनसर्टेन है, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर प्रिडिक्ट कर सकता होता तो उससे वो बहुत पैसा कमा रखा होता। तो रिस्क क्या है फ्यूचर में, रिस्क की आप मॉडलिंग नहीं बना सकते हैं। किसी हवाई जहाज़ में आप उड़ रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हवाई जहाज़ नहीं गिरेगा, एक कार में बैठे हैं तो ये नहीं कह सकते हैं इस कार में एक्सीडेंट नहीं होगा और आप नहीं बचोगे, हाईवे में जा रहे हैं। हाँ, आप रिस्क आप ये जान सकते हो ये टाइप के रिस्क हैं और ये हुआ। अगर हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो आप ये कह सकते हो यार हवाई जहाज़ उड़ता है तो, या कार अगर हाईवे में चल रही है तो उसके टायर फटने से एक्सीडेंट होता है, या कई बार आदमी के सो जाने से एक्सीडेंट होता है, तो आप वो कंट्रोल्स लगा सकते हो। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, एयर बैग्स लगा सकते हो, और आप ये देख सकते हो कि आगरा दिल्ली हाईवे में एक गाड़ी जा रही है तो वहाँ पर कितने एक्सीडेंट होते हैं टायर फटने के कारण, क्योंकि वहाँ सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है तो उसमें जो टायर्स हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो उसके फटने के कारण कितने एक्सीडेंट होते हैं साल में, कितने एक्सीडेंट सोने की वजह से होते हैं, आदमी को नींद आ रही है और उसकी वजह से होते हैं। तो आप एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बना लेते हो और आप जान लेते हो कि किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, टायर फटने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, एक लेवल से ज़्यादा स्पीड है उसकी वजह से हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इस तरीके से आप एक मॉडल बना लेते हो। और फिर क्या करते हो, आप क्या करते हो कि उसका कंट्रोल्स लगा लेते हो, जैसे आप कहते हो कि 50 किलोमीटर बाद आप क्या है एक टोल ब्रिज क्रिएट कर देते हो, या वहाँ पर टोल ब्रिज क्रिएट कर देते हो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं ताकि वहाँ स्पीड कम हो जाए, या हर 50 किलोमीटर बाद या कुछ किलोमीटर बाद रोड को थोड़ा सा इस तरह का बना देते हो कि उसमें एक लेवल से ज़्यादा स्पीड ही नहीं हो पाए, तो उससे क्या होगा कि टायर को रेस्ट मिल जाएगा, या जो ये सारी चीज़ें आप वो कर सकते हो। अगर मान लीजिए सपोज एक पर्टिकुलर लॉन्ग स्ट्रेच है वहाँ पर लोगों को नींद आ जाती है कई बार इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पर बीच बीच में जो रोड ब्लॉकर्स होते हैं वो लगा सकते हो, तो उससे गाड़ी जाएगी तो थोड़ा सा उसमें कंपन होगी और उससे क्या है कि, तो इस तरीके से आप रिस्क की मॉडलिंग कर सकते हो, रिस्क को एक देख सकते हो, रिस्क से अवेयर हो सकते हो, और जहाँ जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर उसके कंट्रोल्स लगा सकते हो, लेकिन 100% रिस्क रिडक्शन नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो गाड़ी जा रही है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा ही होगा, किसी न किसी लेवल पर एक्सीडेंट होगा ही होगा, तो आप कोशिश करते रहते हो, एयर बैग्स लगाओ, ये करो, इन सब चीज़ों को आप अपने मॉडल में इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा ही है आपके आईटी के साथ, आईटी में जो रिस्क हैं वो आप देख सकते हो, कौन कौन से रिस्क आते हैं, जो मेजर रिस्क आते हैं उस पर वो आप कंट्रोल लगा सकते हो। तो बेसिकली इसे रिस्क असेसमेंट को कहने का मतलब ये है, हमारी स्टडी में यहाँ पर रिस्क असेसमेंट के बारे में बात कर रही है, तो कहने का मतलब ये है रिस्क है, रिस्क असेसमेंट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, वहाँ से उस रिस्क के बारे में पता करेंगे और फिर एक आइडिया लेंगे और फिर उसके बाद ऑडिट प्लानिंग करेंगे और उसके बाद अपनी इनडेप्थ चेकिंग कितनी करनी है, नहीं करनी है, नेचर एक्सटेंट ऑफ और टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स उसी के अनुसार वेरी करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारी स्टडी में है वो है इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूएशन, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और क्या रिस्क असेसमेंट कर लेते हो,
रिस्क असेसमेंट करने के बाद कंट्रोल इवैल्यूएशन करना है आपको। जो रिस्क है, रिस्क आप रिस्क असेसमेंट करते हो, एक्सेप्टेबल रिस्क, एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट से डिसाइड करवाते हो, या मैनेजमेंट ने पहले डिसाइड कर रखा होता है तो वेल एंड गुड। अगर वहाँ मैनेजमेंट को पता नहीं होता है, मैनेजमेंट ने रिस्क असेसमेंट नहीं किया होता है, तो उसे डिसाइड करवाते हो, उसे हेल्प करते हो डिसाइड करने में कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या होगा। वो मैनेजमेंट की कॉल होती है, आप कहते हो कि जी ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप डिसाइड करो, फाइनली आप डिसाइड करके बताओ। आप जब डिसाइड कर लोगे ये काम आपका है, मैं तो केवल आपको हेल्प कर रहा हूँ। अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क असेसमेंट लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैनेजमेंट को हेल्प करोगे, मैनेजमेंट उसको रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क बनाएगा, डिसाइड करेगा। उसके बाद क्या करते हो, आप कंट्रोल इवैल्यूएशन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल्स हैं उसको इवैल्यूएट करते हो। अब रिस्क असेसमेंट हो गया तो इन्वेंट्री, सारी इन्फॉर्मेशन एसेट इन्वेंट्रीड हो गई हैं, यानी कि रिस्क असेसमेंट कब करोगे, जब पूरी एसेट की क्लासिफिकेशन कर लोगे, रिस्क क्लासिफिकेशन कर लोगे, ये एसेट ज़्यादा रिस्की है, ये एसेट रैंकिंग की रिस्क रैंकिंग वन है सबसे ज़्यादा। अगर मान लिया सपोज एक कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, वहाँ पर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, ऑब्वियसली बैंकिंग है तो सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, आज की डेट में तो जरूर होगा, ताकि ATM का सारा डेटा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में रखा जा रहा है, तो उसकी रिस्क रैंकिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो आप सारे एसेट्स को इन्वेंटरी करो, इन्वेंटराइज होनी चाहिए, और फिर उसके बाद क्लासिफाई करोगे, और उसके रिलेवेंट रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर दिए क्योंकि आपने रिस्क असेसमेंट कर लिया। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हो, एफिकेसी ऑफ कंट्रोल देख रहे हो, कितने एफिशिएंट है कंट्रोल, और कंट्रोल्स की नेचर देख रहे हो, प्रिवेंटिव डिटेक्टिव करेक्टिव क्या है। प्रिवेंटिव डिटेक्टिव करेक्टिव कंट्रोल्स हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशंस में। प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रिवेंट करता है, डिटेक्टिव कंट्रोल डिटेक्ट करता है, करेक्टिव कंट्रोल डिटेक्शन के बाद करेक्ट करता है। यानी प्रिवेंटिव कंट्रोल बेटर होते हैं क्योंकि वो प्रिवेंट कर रहे होते हैं चीज़ों को, डिजास्टर नहीं होने देते, और डिटेक्टिव डिटेक्ट करता है, अगर कोई डिजास्टर हो गया उसको डिटेक्ट करता है, कोई गड़बड़ी होगी, सिक्योरिटी ब्रीच होगी उसको डिटेक्ट करता है, करेक्टिव उसे करेक्ट करता है। तो आप कंट्रोल्स देखोगे, एफिकेसी ऑफ कंट्रोल्स देखो, उनको क्लासिफाई करोगे, वो देखोगे प्रिवेंटिव कंट्रोल है, डिटेक्टिव है, करेक्टिव कंट्रोल है। फिर उसके बाद आप देखोगे कंट्रोल कैसे डिज़ाइन हुए हैं, किसने अप्रूव किए हैं, कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कैसे मॉनिटर हो रहे हैं। तो बेसिकली ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो आप फॉलो करोगे, यानी सबसे पहले रिस्क असेसमेंट होगा, उसके बाद मैनेजमेंट के पास ऑलरेडी अगर उसने रिस्क असेसमेंट कर रखा होगा तो वहाँ पर एक एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल ऑफ रिस्क डिटरमाइन कर रखा होगा हर एसेट पर, और वहाँ पर क्या है एसेट की रिस्क रैंकिंग होगी, सारी एसेट की इन्वेंटरी होगी। तो आप फिर कंट्रोल्स इवैल्यूएट करोगे, कंट्रोल्स जो करंट लेवल ऑफ कंट्रोल्स हैं वो कैसे लगे हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या है, प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है, करेक्टिव है। उसके बाद कंट्रोल्स किसने डिज़ाइन किए, उस डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल चेक करोगे, अप्रूव किसने किए, कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कैसे मॉनिटर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो किसी भी ऑडिट में दो टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, हमने पढ़ा है कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। जब कंप्लायंस प्रोसीजर्स आप चेक कर रहे हो तो इंटरनल कंट्रोल्स आप चेक करोगे, कंप्लायंस प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल तो आपको चेक करना ही करना है, ऑडिट ऑडिट अगर आप ऑडिट कर रहे हो, इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रहे हो, क्योंकि वही कंट्रोल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड होने से या गलती होने से या सिक्योरिटी ब्रीच होने से या एरर होने से या ओमिशन होने से या और चीज़ डिस्ट्रक्शन होने से या डैमेज होने से, वही कंट्रोल्स आपको बचाएंगे। उसी से आप एसेट को सेफ गार्ड करोगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करोगे, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे, जो बेसिकली ट्रेडिशनल ऑडिट का पर्पस है, वो सारा आप मीट आउट करोगे, इसी तरीके से मीट आउट करोगे। तो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इनहेरेंट पार्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, इनहेरेंट पार्ट जो नॉर्मल ऑडिट है उसमें आप इंटरनल कंट्रोल को एक बार अनदेखी कर सकते हो। एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल उतना नहीं देखते हो, अगर 10 आदमी का ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल की सोच उतनी आप नहीं लगा पाते। इंटरनल कंट्रोल की सोच वहाँ पर आती है जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लगता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल के बारे में आप सोचते हो, बल्कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल पर ही आपका एम्फेसिस रहता है। लेकिन अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है कई बार आप नहीं हो रहे हो, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है वहाँ तो इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ तो सिस्टम ऑटोमेटेड काम कर रहा है, उसके अंदर कंट्रोल्स लगना है, एप्लीकेशन कंट्रोल, बाउंड्री कंट्रोल्स, ये सारे लगा होना बहुत जरूरी है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं उसमें इंटरनल कंट्रोल्स और टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स लगा होना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में तो इंटरनल कंट्रोल इंटेग्रल पार्ट होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, एक मिनिमम लेवल का कंपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाएगी और एक मिनिमम लेवल की कंपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को बुलाएगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होगा, जो एस इंफॉर्मेशन जो है वैल्यूएबल, एक लेवल के बाद ही होती है, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद ही होती है। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर एक लेवल की इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। और तो क्या है, इंटरनल कंट्रोल का इवेल्यूशन तो इनहेरेंट पार्ट है, ये मान के चलो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स में, बाकी ऑडिट्स में भी है, लेकिन बाकी ऑडिट्स में आप थोड़ा सा कम एम्फसाइज कर सकते हो, इसमें मेजर एम्फसिस होगा इंटरनल कंट्रोल्स पर। तो ऑडिटर बेसिकली क्या करेगा, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल देखेगा। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, वही गोल्स रीच आउट करने में कंट्रोल्स हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल देखेगा, एफिशिएंट हैं कि नहीं कंट्रोल, कम से कम रिसोर्सेज में बेटर आउटपुट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कंट्रोल। उसके अलावा एक चीज़ और हमारी स्टडी बोलती है, वो बोलती है कि ऑडिट प्रोसीजर इस तरह से डिटरमाइन करना चाहिए कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कंट्रोल्स काम करें, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भी करें। नॉर्मल बात यह है, कंट्रोल्स रेगुलरली काम करने हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए फायरवॉल दिन में एक घंटे हट जाती है, या बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है, चेस्ट रूम में पैसा पड़ा हुआ है, और वहाँ पर क्या है कि दरवाज़ा दिन में 5 मिनट के लिए खुला रहता है, गार्ड 5 मिनट के लिए गायब रहता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अगर 5 मिनट के लिए फायरवॉल डाउन हो जाती है या आपका एंटीवायरस डाउन हो जाता है, मालूम पड़ा हैकर हैक कर लेगा, वायरस आके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो यानी कंट्रोल्स पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में होने चाहिए एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दोनों चीज़ होनी चाहिए। और ऑडिट प्रोसीजर्स इस तरह से बननी चाहिए कि कंट्रोल्स की ये चीज़ों को देख सकें, एवेल्युएट कर सकें। इसके बाद हमारी स्टडी ये बोलती है कि जितने भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, और इस बात को हमारी स्टडी एम्फसाइज करती है, यानी कि जितने भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्स हैं उस पर कंट्रोल फ्रेमवर्क क्रिएट करने की, एक कंट्रोल्स डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। कंट्रोल एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, और ये डिटरमाइन करने की कि जितने भी कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। ऑडिटर इनको आइडेंटिफाई करेगा, इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करेगा, और इवेल्युएट जो उसका ऑडिट ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार उसको इवेल्युएट करेगा और रिपोर्ट देगा। तो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, सारी कंट्रोल्स लगाना, सारी चीज़ करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। ऑडिटर केवल आइडेंटिफाई करेगा और इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगा। लेकिन ये सारे कंट्रोल्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो ऑडिटर अपनी ओपिनियन देगा। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, एक प्रीलिमिनरी इवेल्यूशन जब कर रहा होगा तो कंट्रोल्स का प्रीलिमिनरी इवेल्यूशन भी कर लेगा, और फिर उस टाइम पर ऑडिट प्लान उसी अनुसार डेवलप करेगा, और उसके बाद वो उसी के अनुसार ऑडिट प्रोसीजर्स सेलेक्ट करेगा, और उसी के अनुसार इन डेप्थ प्रोसीजर्स हैं या किस नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर उसी के अनुसार करेगा, और फिर वो रिलायबिलिटी देखेगा स्टेटेड कंट्रोल की, और वो देखेगा कि ऑडिट प्लान को किस तरह से करना है, उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उसमें कुछ जगह छोड़ेगा कि बाद में इस ऑडिट प्लान को हम मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि अगर हमें कंट्रोल्स के बारे में कुछ, अगर उसको कंट्रोल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और वो जजमेंट नहीं ले पा रहा है, तो फिर उतना लीवे छोड़ देगा प्लान को मॉडिफाई करने के लिए, ऑडिट प्लान को मॉडिफाई करने के लिए। थैंक्स।